शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के केस में फरार आरोपी गिरफ्तार। देहात थाना पुलिस की कार्यवाही। शिवपुरी जिले के देहात थाना पुलिस ने आज नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के केस में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने न्यायालय पे पेश किया गया है। जानकारी के अनुसार 7 जनवरी 2024 को देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बैराड़ कस्बे का रहने वाला गोविंद बाल्मीकि बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया था। आरोपी इस दौरान किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को 48 घंटे के अंदर बरामद कर लिया था, लेकिन आरोपी तभी से फरार था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। खरे ने एक रिपोर्ट की थी कि उसकी लड़की का कोई अपहरण कर लिया गया, तो उस अपहरण में लड़की को दिनांक 9 को दस्तयाब कर लिया था। ये आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। आरोपी को आज यह पेश कर रहे हैं। क्या नाम है सर इसका? गोविंदा बाल्मी। कहाँ का निवासी है? बहराड़ का रहने वाला। तो दुष्कर्म का मामला था? ये 376, 363, 500 से संबंधित है। ठीक है।